नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से। खबर रीवा से है, जहां कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 में कर्मचारी कांग्रेस द्वारा धरना दिया गया। लोक निर्माण के कर्मचारी जयप्रकाश तिवारी ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कार्यपालन यंत्री के समक्ष धरना दिया, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा अधिकारी कर्मचारी संघ के बीच में जो आपस में बैठक हुई, उसमें कर्मचारी कांग्रेस की जिला शाखा अध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने कहा कि उनकी मांगों का निराकरण शीघ्र कर दिया जाए। हम लोगों ने करवाया था मुख्यमंत्री महोदय आज से 10 साल पहले, तो सर लोगों ने कहा कि नहीं, वही जहां है तहां रहने देंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि यहां 4.5-5 लेवल यहां है, वहां दस्तक नहीं हो पाती है सेवा को, ये और 100 आ जाएंगे, उनका कहां से भला होगा, कहाँ हो पा रही है, काम कर रहे नहीं हो रहे पा रही ना सर, तो काहे को हम लोग बैठे थे, हमको परेशान कर रहे हैं कर्मचारी, क्या करें, संगठन चलाए हुए हैं तो ये लोग परेशान करते हैं, हम लोग कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, हमारी पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको नियमित कब करोगे, हमको नियमित कब करोगे, हम जाएंगे तब करोगे, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किया गया जिसमें कार्यपालन मंत्री महोदय के निर्देशन पर या उनके आश्वासन पर ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से मांगे थी स्थायी कर्मियों के एरियर का भुगतान, जिसमें अभी अभी हस्ताक्षर हो गए हैं, वो कोषालय में प्रेषित किए जाएंगे। दूसरी चीज ये था कि गोविंदगढ़ उपखंड का सम्मिलियन उप संभाग क्रमांक 1 के अधीन किया गया था, जिसको कार्यपालन मंत्री महोदय द्वारा स्थगित कर दिया गया है ना, उसके लिए 10 दिन का अवसर मांगा है, अभी यथावत वो उप संभाग मनगमा में ही रहेगा, उसके अधीन ही रहेगा, इसके कारण से अब ये नियमितीकरण को लेकर मांग आ रही है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जिनकी नियमितीकरण को मांग, नियमितीकरण तो करीब अभी स्थायी कर्मी के अतिरिक्त अभी कम से कम 200 लोग अपने यहाँ हैं, जो अभी जिनका दैनिक वेतन भोगी पर ही वेतन आहरण किया जा रहा है, अभी उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी गतिशील नहीं है, है ना, प्रचलन में है लेकिन अभी किया नहीं गया है, इस पर भी आंदोलनात्मक कार्रवाई आगे के लिए जारी रहेगी। कर्मचारी वहाँ से 40 किलोमीटर आने में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने 25/1/2024 को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, जिन्होंने आज दिनांक तक हम लोगों को कोई पत्राचार नहीं किया गया, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, और हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नियम है? नियम ये है कि गोविंदगढ़ सेक्शन जो है पूर्व से ही चाक घाट उप संभाग था, चाक घाट उप संभाग में संचालित था वो, जब मनगमा उप संभाग बना है तब से उप संभाग मनगमा में संचालित गोविंदगढ़ है, तो हम लोग चाहते हैं कि गोविंदगढ़ ही में ही रहे ये सेक्शन, गोविंदगढ़ में रहे मनगमा जी। एवरी पैशनेट चाइल्ड हैज अ यूनिक स्टोरी। Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590-99073-17817 or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.